हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत डिमांडिंग वीडियो, क्योंकि जनरली मीशो से शॉपिंग करने के बाद हर किसी का यही क्वेश्चन आता है कि इसका आफ्टर वॉश कीजिए। मेरे पास भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा कि जो जो ड्रेस मैं वेयर कर चुकी हूँ, जिसे 2-3 बार वॉश कर चुकी हूँ, वो सारे ही ड्रेस आप लोगों के साथ आज शेयर करूँ कि एक्चुअल में उसका धोने के बाद क्या हाल हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस सच कहूँ तो इतना अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है कि कई कई सेलर्स के कपड़े अच्छे होते हैं और कई कई सेलर रहते हैं कि जो चीप टाइप की क्वालिटी सेंड कर देते हैं, तो मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ है। स्टार्टिंग में जो कुछ भी मैंने कुर्ता परचेस किया था वो कुछ नॉर्मल ही रहा था, कुछ एकदम अच्छा नहीं रहा था उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए। तो मैंने कुछ सेलेक्टेड पीस जो मैं अभी तक वेयर कर चुकी हूँ वो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। सभी के कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वैसे तो जो अच्छे होंगे मैं वही आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, एंड बाकी जो अच्छे नहीं है वो तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उसे परचेस करें। जो लोग नहीं जानते वो मेरे दिए हुए लिंक से मीशो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको फर्स्ट ऑर्डर पे मैक्सिमम 30% और 100 रुपीज़ का ऑफ ज़रूर मिल जाएगा। तो आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लोग आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मैंने कोई भी कपड़े को प्रेस नहीं किया है और ये आप लोगों को अभी ऐसा लाइव धो धोकर नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसे अच्छे से 2-3 बार वॉश कर चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि डायरेक्ट आप लोगों के सामने ऐसे ही शेयर करना चाहिए। तो मैंने अभी तक कोई भी कपड़ा प्रेस नहीं किया है, क्योंकि प्रेस करने के बाद क्या होता है ना कि कपड़े सभी अच्छे दिखने लग जाते हैं, तो इससे पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल कपड़े का हाल क्या है। तो आप लोगों को मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक सिंपल सी कुर्ती से। बांधनी कुर्ती है ये हमारी, मैंने इसे बहुत सारे मीशो हॉल में पहना भी है आई थिंक। तो देखिए इस तरह की हमारी पिंक कलर की बांधनी कुर्ती है, इसमें इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ है ना। 3/4 स्लीव है इसकी, और देखिए इसमें आप लोगों को इस तरीके से गोल्डन कलर का जो यहाँ पर एक प्रिंट नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का, ये देखिए। अब मैं इसका हाल बताती हूँ। ये जो गोल्डन कलर का प्रिंट था शुरू में बहुत अच्छा था, एकदम गोल्डन गोल्डन चमक रहा था। धोने के बाद क्या हुआ ना, प्रिंट तो गायब भी हो गया जनरली, और कुछ कुछ प्रिंट जो है वो धोने के बाद बिल्कुल भी उसमें शाइन नहीं रहा, एंड कुछ कुछ प्रिंट ऐसे हैं जो धोने के बाद ना पूरा ब्लैक हो गया। जैसे होता है ना कि गोल्डन कलर का अगर हमने वॉश कर दिया तो वो पूरा ब्लैक सा हो जाता है, तो कुछ इसी तरीके से ये पूरा, देखिए अभी भी शायद इसमें हल्का हल्का गोल्डन नज़र आ रहा होगा, बट एक्चुअल में क्या हुआ है ना, ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। ये तो रहा फ्रंट का बात, देखिए बैक में हो सकता है आपको नज़र आए, बैक में भी आपको गोल्डन ही दिख रहा होगा, बट धोने के बाद ये कपड़ा थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, और इसकी क्वालिटी वगैरह सब ठीक ठाक है, उतनी अच्छी भी नहीं है उतनी बुरी भी नहीं है। वैसे अगर दिखने में इस कपड़े की बात की जाए तो बहुत अच्छा दिखता है पहनने के बाद अभी भी, बट उतना नया टाइप का फील नहीं आता, इसलिए मैंने आप बिल्कुल भी इसे प्रेस नहीं किया। तो मैं इस कुर्ता के लिए आपको तो रिकमेंड नहीं करूँगी, बट अगर आपको इसे डेली वेयर घर में पहनना है तो आप इसे हल्के हाथों से धोकर कंटिन्यू कर सकते हैं, घर में पहन सकते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट कुर्ता, एंड बढ़ते हैं हमारे सेकंड कुर्ता की तरफ। तो ये हमारा रेड कलर, मेहरून कलर का ये बांधनी प्रिंट का ये कुर्ता है। देखिए इसमें भी फ्रंट में इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है, मतलब पूरी गोल्डन कलर से इसमें देखिए पूरी एम्ब्रॉयडरी है, राउंड नेक है, 3/4 स्लीव है। ओके, दिखने में ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये भी रेयॉन मटेरियल है, इसका भी हाल वही हुआ। धोने के बाद ये भी कपड़ा श्रिंक हुआ है, और इसकी जो प्रिंटिंग देख रहे हैं, ये पूरे कपड़े में जो प्रिंटिंग है गोल्डन कलर से, ये आधे से ज़्यादा ये जो प्रिंट अभी भी आपको गोल्डन ही नज़र आ रही होगी, बट मैं एग्जैक्ट सामने से देखकर बता रही हूँ कि ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुका है। इसका प्रिंट जो है ये पूरा ब्लैक हो चुका है, और ना कहीं कहीं पर कपड़े में अगर आपको नज़र आए तो देखिए ऐसा धब्बा धब्बा टाइप का हो गया। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए इस पोर्शन में कैसे इस तरीके से कुछ धब्बा धब्बा टाइप का हो गया, कुछ काला टाइप का हो गया कहीं कहीं पर। इस ये कपड़ा भी मैंने 2 बार वॉश किया है, तो देखिए कहीं कहीं पर इस तरीके से आपको काला काला नज़र आएगा। कुर्ता की बात जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगी वो यही थी कि इस कपड़े में बीच बीच में इस तरीके से कुछ धब्बा धब्बा सा होने लग गया धोने के बाद, पता नहीं क्यों, बल्कि मैंने इसे सेपरेट हैंड वॉश ही किया था तो भी इस तरीके का ये कपड़ा हो गया, जिसे अब मुझे पहनने का मन तो नहीं करता, बट फिर भी घर में इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये भी कुर्ती रहा है हमारा, तो मैं इसके लिए भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। देन हम बढ़ते हैं एक ब्लू कलर की कुर्ती में। देखिए ये इंडिगो प्रिंट का ये ब्लू कलर का कुर्ता है, कॉटन मटेरियल है ये देखिए इस तरीके से इसमें पूरा रेड कलर का आपको यहाँ पर
एम्ब्रॉयडरी धागा वर्क मिल जाएगा, या इसमें धागा से मशीन वर्क हुआ है रेड कलर से एंड पेपर मिरर वर्क लगा हुआ है, इस तरीके की ये कॉटन की कुर्ती है। ये सारा ही कुर्ता का वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, ऊपर में आपको आई बटन दिख जाएगा मीशो हॉल का। सारे ही कुर्ता मतलब ट्राई ऑन में अगर आप देखना चाहते हैं मीशो हॉल पे क्लिक करिएगा और उसमें आपको मेरे सारे ही मीशो हॉल के वीडियोस दिख जाएंगे। उसमें मेरे पूरे वीडियो मीशो हॉल्स के हैं, अलग अलग बैग्स के हैं, ज्वेलरीज के हैं, कुर्ता है, कुर्ता सेट्स के हैं, तो आपको सभी वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो अगर आपको इसका डिटेल्स देखना है तो आप मीशो हॉल में जाकर सारे का डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरीके का ये कुर्ता है, कॉटन मटेरियल है। धोने के बाद ये कुर्ता बिल्कुल श्रिंक नहीं हुआ, इसका कलर बिल्कुल भी नहीं गया, एज इट इज़ ये कुर्ता है। दो बार मैं इसे वॉश कर चुकी हूँ तो ये कुर्ता कहीं से कुछ नहीं हुआ, प्रिंटिंग वगैरह एम्ब्रॉयडरी वर्क एज इट इज़ ये वैसा ही है, कुछ नहीं हुआ है। ये कुर्ता मुझे अच्छा लगा, अगर आप लोग इसे परचेस करना चाहते हैं तो ये सभी का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये कुर्ता का मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मे बी आगे भी ये कुर्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। देन अब बढ़ते हैं हम अपने कुर्ता सेट्स की तरफ। तो एक कुर्ता सेट मैं आपको दिखाऊंगी, ये है रेड कलर का, देखिए मेहरून कलर का एक कुर्ता सेट है। बोट नेक है इसका, 3/4 स्लीव है, इस तरीके से पूरी प्रिंटिंग हो रखी है। इस कुर्ता का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है, मैं इसे दो बार वॉश कर चुकी हूँ, हैंड सभी कपड़े को मैंने हैंड वॉश किया है, किसी को भी मशीन वॉश नहीं किया है। तो इस तरीके का ये हमारा कपड़ा है, हल्का सा मतलब एकदम थोड़ा सा ही ये कपड़ा श्रिंक हुआ होगा, अदरवाइज़ ये कपड़े का हल्का सा कलर भी गया था, बट मुझे नहीं लगता कि अब नेक्स्ट इसका कलर जाने वाला है। क्या होता है ना कि फर्स्ट एंड सेकंड वॉश में थोड़ा बहुत कलर जाता है, तो ये फर्स्ट वॉश में एकदम हल्का सा ही कलर गया था, तो इसका एक्सपीरियंस मेरे लिए ठीक ठाक रहा है। क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो बहुत अच्छे होते हैं बट फिर भी उसका कलर जाता ही है। अभी भी ये पहनने में बहुत कम्फर्टेबल है और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग है, मटेरियल वगैरह सभी इसका बहुत अच्छा है। देखिए इस तरीके का ये कुर्ता है, तो आप इसके साथ ज़रूर जा सकते हैं। तो ये रहा इसका ऊपर का कुर्ता है, देन इसका आते हैं हम बॉटम में। तो देखिए इस तरीके का ये बॉटम है, सेमी इलास्टिकेटेड, देखिए तो ये बॉटम भी इस तरीके से है, बहुत अच्छे इसकी फ़िटिंग है। अभी भी ये इसका भी हल्का सा कलर गया, बाकी इसकी फ़िटिंग बहुत परफेक्ट है और ये कुर्ता अभी भी बहुत अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने कुर्ता सेट्स की तरफ। तो बांधनी प्रिंट का ये हमारा कॉटन का कुर्ता है, देखिए ब्लू कलर का, नेक में इसके इस तरीके से गोटा पट्टी का वर्क है, कॉटन का मटेरियल है पूरा, 3/4 स्लीव है इसकी। ये कुर्ता भी धोने के बाद कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा भी श्रिंक नहीं हुआ, बट हाँ इसके ब्लू कलर है, जनरली ब्लू कलर के कॉटन के कपड़े जो होते हैं ना उसके कलर थोड़े से जाते ही हैं, तो इसमें भी हल्का सा इसका कलर गया है और कोई भी इसमें इशू नहीं आई है अभी तक, एज इट इज़ ये वैसा ही है। पहनने के बाद अभी भी बहुत अच्छी इसकी फिटिंग है, बहुत कम्फर्टेबल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मेरे तरफ से एकदम मस्ट हैव पीस है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत सुंदर दिखने वाला पीस है ये। तो देखिए इस तरीके का वाइट कलर का पूरा शरारा है, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है इसकी, बहुत अच्छा इसका फ्रिल है, ये देखिए बहुत अच्छा फ्रिल है इसका। तो धोने के बाद वाइट कलर का भी कुछ तो अभी तक हाल बेहाल नहीं हुआ है, रेयन मटेरियल है ये, बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। बट हाँ मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, जैसे अगर किसी सेट का जैसे इसका ऊपर का कलर था ब्लू और ये है वाइट, अगर आप लोग इसे एक साथ वॉश करेंगे तो श्योर है कि इसका कलर इस पर ज़रूर चढ़ जाएगा। तो आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि वाइट कलर का जो कुछ भी रहता है आप उसे अलग ही वॉश करिए, सेम उसके पेयर के साथ वॉश मत करिए, नहीं तो थोड़ा बहुत भी अगर उसका कलर निकलना है तो वाइट पे ज़रूर चढ़ जाएगा और फिर वाइट से कलर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मटेरियल भी मैंने कुर्ता अलग वॉश किया था एंड इसका पैंट अलग वॉश किया था, शरारा अलग वॉश किया था, तो आप इसे अलग अलग वॉश करिएगा तो ही ये कपड़ा बहुत अच्छा जाने वाला है और इसका पेयर सेट सभी बहुत कम्फर्टेबल और अच्छा है। तो ये भी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये मे बी थोड़ी सी कॉस्टली थी, मे बी 800 अराउंड का ये कपड़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस तरीके का ये कुर्ता सेट है हमारा, ये कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा का सेट मुझे मिला था, देखिए रेयन मटेरियल है इस तरीके से, इसमें पूरी गोटा पट्टी का लगा हुआ है वर्क एंड इस तरीके से पूरा मेहरून कलर का अपना कुर्ता है। तो अब इसके वॉश की बात करती हूँ, तो धोने के बाद ये कपड़ा कुछ भी नहीं हुआ है, इसका कलर भी नहीं गया, एज इट इज़ ये वैसा ही है,
थोड़ा भी श्रिंक नहीं हुआ है। क्वालिटी, कपड़े का कलर सभी बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं निकला है। और इस तरीके का ये अपना कपड़ा है, रेयॉन मटेरियल है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया, क्योंकि मैं प्रेस करती तो ये अभी भी नया सा दिखने लग जाता। मैं इसे दो बार वॉश कर चुकी हूँ, तो देखिए इस तरीके का ये पूरा अभी भी एज इट इज़ ऐसा ही है। एंड बढ़ते हैं इसके पैंट की तरफ। तो देखिए इस तरीके का ये सेमी इलास्टिकेटेड वेस्ट पैंट है। ये देखिए, इसमें पैंट टाइप का डिज़ाइन है, ना ही एकदम घेरा है, ना ही एकदम सिगरेट पैंट है, बट ओके, फिटिंग अच्छी है इसकी, पहनने के बाद अच्छा लगा। इसका भी काफ़ी कंफर्टेबल है, रेयॉन मटेरियल है। धोने के बाद इसका भी कुछ भी डिफेक्टिव पीस अभी तक मुझे नज़र नहीं आया है, कलर नहीं गया, श्रिंक वगैरह नहीं हुआ है, फिटिंग अभी भी परफेक्ट है। तो ये कपड़ा मेरी तरफ से तो A1 है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके चुन्नी की तरफ। देखिए, इसका दुपट्टा इस तरीके का है। ये दुपट्टा आपको मिलेगा शिफॉन मटेरियल का। इसमें जो प्रिंट देख रहे हैं, गोल्डन कलर की प्रिंटिंग है। अभी तक तो धोने के बाद ये कुछ नहीं हुआ है, बट हल्का हल्का सा इसका जो शाइनी टाइप का रहता है ना, कुछ जब नया हम ले तो वो बहुत चमकता है, तो उस तरीके की शाइनिंग नहीं रही है, बट ओके, ये प्रिंट भी अभी तक नहीं गया है। बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं इसे 2-3 बार वॉश करूँगी तो इसका प्रिंट ज़रूर निकल जाएगा। इसीलिए एकदम हल्के हाथों से मैंने इस चुन्नी को वॉश किया था। मैंने इस हॉल का लास्ट कॉटन का कुर्ता सेट है, ये मैंने प्रेस नहीं किया है। तो देखिए इस तरीके का ये हमारा कुर्ता सेट है। ये देखिए, पूरी राउंड नेक है, गोटा पट्टी का डिज़ाइन है, एथनिक प्रिंट का ये कुर्ता है, बेज कलर का है, 3/4 स्लीव है, बॉर्डर वगैरह सभी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा था मुझे ये पीस। और इसका भी ये जो कॉटन मटेरियल है, धोने के बाद श्रिंक नहीं हुआ है, कलर वगैरह बिल्कुल नहीं गए। वैसे इसका कलर क्या ही जाएगा, क्योंकि इसका कलर जनरली लाइट कलर होते हैं, वो अगर चले भी जाएँ तो उतना पता नहीं चलता, बट इसका कलर नहीं गया है। कॉटन प्रिंट है ये, और ऐसा भी नहीं हुआ कि ये जो प्रिंट है, हो सकता है ये इस पर आ जाए, इस टाइप का नहीं हुआ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कपड़े में 2-3 अगर कलर हो ना, तो डार्क कलर लाइट पर चढ़ जाता है, बट इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया है। बहुत अच्छा इसका मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है, पहनने में अभी भी बहुत अच्छा है। इसका कलर वगैरह बिल्कुल भी ऐसा कोई शिकायत नहीं आई है, श्रिंक भी नहीं हुआ है कपड़ा, तो ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है। इसके लिए भी मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। एंड देन बढ़ते हैं हम इसके पैंट की तरफ। तो ये रहा इसका पैंट कॉटन का, ये भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है धोने के बाद इसका, ये भी थोड़ा भी श्रिंक नहीं हुआ है, कलर तो इसका क्या ही जाएगा, बट ये पीस मटेरियल सभी बहुत अच्छा है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी देखिए कॉटन का ही है। तो कॉटन का दुपट्टा क्या होता है ना, शुरू शुरू में थोड़ा कड़ा सा रहता है, धोने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, बस ये यही हुआ इसके साथ कि ये दुपट्टा धोने के बाद सॉफ्ट हो गया। अदरवाइज़ इसमें कोई भी शिकायत या कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। तो ये रहा आज का हमारा हॉल वीडियो। सभी का रिव्यू मैंने एकदम ऑनेस्ट दिया है आप लोगों के सामने, ऐसा नहीं है, जो अच्छा है मैंने अच्छा बताया, जो बुरा है वो तो मैंने आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप उसे परचेस करें। तो इस तरीके का आगे आप हॉल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वीडियो आगे देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।